स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरी विंग्स ऑफ एन सी सी में फ्रेंड्स आया हम आपको बताएंगे एन सी सी के सत्तर डायरेक्टेड एंड नाइन्टी फाइव ग्रुप हेडकोटर्स के नाम बताऊंगा साथ ही आपको दो क्वेश्चन ही बताऊंगा जो बी सर्टिफिकेट एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आता है तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन आंध्र प्रदेश इसका हेड कोटर सिकंदराबाद में है इसके अंदर गुंटूर काकीनाडा हैदराबाद तिुवंतमपुरम सिकंदराबाद गुंटूर वारंगल निज़ामाबाद विशाखापटनम इसके अंदर कुल मला के नौ ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं नंबर दूसरा बिहार एंड छत्ती झारखंड डायरेक्टेड है इसका हेडक्वार्टर्स पटना में है इसके अंदर भागलपुर गया मुजफ्फरपुर, पटना रांची कुल मिला के पाँच हेडक्वार्टर्स आते हैं नंबर तीसरा दिल्ली इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में ही है इसके अंदर सिर्फ़ दो हेड क्वार्टर्स आते हैं दिल्ली बी दिल्ली सी नंबर चौथे पे है गुजरात दादा नगर हवेली एंड देवनाथ द्यू इसका हेड क्वार्टर्स अहमदाबाद में है इसके अंदर चार ग्रुप हेड क्वार्टर्स आते हैं नंबर वन अहमदाबाद बड़ौदा राजकोट बी नगर कुल मिला के इसमें चार ही ग्रुप हेड आते हैं नंबर पाँचवें पर है जम्मू एंड कश्मीर इसका हेड कोार्टर जम्मू में भी है इसके अंदर दो ग्रुप हेड आते हैं जम्मू श्रीनगर नंबर छठवें पे है केरला ए सॉरी कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टेड है इसका हेडकॉटर्स बेंगलोर में है इसके अंदर बेंगलोरे बेंगलोरवी बेलगम बरेली मैंगलोर मैसूर इसके अंदर सिर्फ छः ग्रुप हेडकोटर्स आते हैं नंबर सात में पे केरला एंड लक्षदीप डायरेक्टेड है इसका हेडकोटर्स तिरुवनंतमपुरम में है इसके अंदर कालीगत कुलाम, कुलाम कोटायाम तिरुवंद इसके अंदर सिर्फ पांच ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं नंबर आठ में पे आता है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टेड इसका हेडक्वार्टर्स भोपाल में है इसके अंदर छह ग्रुप हेडकोटर्स आते हैं नंबर वन भोपाल ग्वालियर इंदौर झाबलपुर रायपुर सौगर नंबर नाइन पे आता है महाराष्ट्र डायरेक्टेड है इसका हेडकोटर्स मुंबई में है इसके अंदर अमरावती औरंगाबाद, कोल्हापुर पुणे मुंबई ए मुंबई बी नागपुर कुल मिलाके इसमें सात ग्रुप हेडक्वाटर्स आते हैं नंबर दस पे आता है असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय मणिपुर, मीज़ोरम नागालैंड त्रिपुरा इसका हेडकॉटर्स शिलोंग में है इसके अंदर देब्राउती गोहाउटी इम्फाल जोहार शिलोंग सॉरी दोस्तों यहाँ जोरठ है सॉरी दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया तो मैं रिपीट करके बोल दे रहा हूँ दिब्राउगढ़ाउटी इम्फाल झोरठ सिलोंग सिलचर तेजपुर कोहिमा कुल मिला के इसमें इतने ग्रुप हेडकोटर्स आते हैं नंबर ग्यारह मेरे पे आता है उड़ीसा डायरेक्टेड से इसका हेडकवाटर्स भुवनेश्वर में है इसके अंदर तीन ग्रुप हेडकोटर्स आते हैं भैरमपुर, कटक सिंबलपुर कुल मिला इसमें तीन ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं सॉरी दोस्तों यहाँ श्यामलपुर है चलो नंबर में पर आता है पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वो सॉरी दोस्तों चंडीगढ़ डायरेक्टेड है इसका हेड चंडीगढ़ में ही है इसके अंदर इसके अंदर आठ ग्रुप हेडकोटर्स है आते हैं नंबर वन अम्बाला अमृतसर चंडीगढ़ जालंधर रोहित शिमला लुधियाना पटियाना इसके अंदर आठ ग्रुप हेडकोटर्स है आते हैं चलो नंबर तीर में पे आता है ये राजस्थान डायरेक्टेड्स है इसका हेडकोर्टर्स जयपुर में हैं इसके अंदर चार ग्रप हेड क्वार्टर्स आते हैं नंबर वन जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा इसके अंदर चार ग्रुप हेड आते हैं नंबर चौदहवी पे आता है तमिलनाडु पांडुचेरी आंदेमान एंड आंदे है इसके हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है इसके अंदर इसके अंदर चेन्नई ए चेन्नई बी कोयम्बतूर मदुरई पांडुचेरी त्रिची इसके अंदर कुल मरा के छः ग्रुप हेडकोार्टर्स आते हैं नंबर में पे आता है उत्तर प्रदेश डायरेक्टेड्स हेड हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है इसके अंदर आगरा अलीगढ़ अहमदाबाद बलेरी गाजियाबाद गोरखपुर कानपुर लखनऊ सॉरी दोस्तों तीसरे नंबर पे नंबर मेरठ वाराणसी ए वाराणसी बी कुल मिलाके उत्तर प्रदेश डायरेक्टेट्स में ग्यारह ग्रुप हेडक्वार्टर्स आते हैं और हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश डायरेक्टेट्स में सबसे ज़्यादा हेडक्वाटर्स आते हैं ये सॉरी दोस्तों नाइनटी ग्रुप हेडक्वाटर्स में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश डायरेक्टेट्स में नाइन ग्यारह ग्रुप हेडक्वाटर्स आते हैं नंबर नंबर सोलमे पे आता है उत्तरांचल उत्तरांचल डायरेक्ट्रेट है, इसका हेड देहरादून में है उत्तरांचल इस इस इसका इसका हेडकॉर्टर देहरादून में है इसके अंदर देहरादून रूर की नैनीताल कुल मिला के इसके अंदर तीन ग्रुप हेड क्वार्टर्स आते हैं वेस्ट बंगाल बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्ट्रेट है इसका हेड कोलकाता में हैं इसके अंदर ब्रुद्वान कोलकाता भी कोलकाता सी दार्जिलिंग कल्याणी सॉरी दोस्तों कल्याणी है कल्याणी खरकपुर कुल के वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट में छः ग्रुप ग्रुप हेडकोर्टर्स आते हैं ये ऑफिसर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है इसे ओ भी कहते हैं ये कामती महाराष्ट्र में आती है यहाँ पे मेल एन को ट्रेनिंग दी जाती है ये वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है इसे भूटा भी कहा जाता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में आती है यहाँ पे फीमेल एन को ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ दोस्तों जो जो मैंने गलतियाँ की हैं बोलने में तो क्षमा कीजिए चलिए आपको मैं ये दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ये आप नोट कीजिए बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में हंड्रेड परसेंट आता है ये देखो दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन है अच्छे नागरिक के पांच गुण लिखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आता है इस पांच गुण हैं देशभक्ति की भावना होना चाहिए जन कल्याण की भावना होनी चाहिए अधिकार एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान होना चाहिए परोपकार की भावना होनी चाहिए अनुशासन प्रिय होना चाहिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई दोस्तों अगर आप इसे पढ़ें तो आपके क्वेश्चन में का आंसर आप बहुत ही जल्दी दे सकते हैं और हाँ दोस्तों आपको जो क्वेश्चन ना आ रहे हों या आपके जो भी डाउट्स हों तो यूट्यूब पर कमेंट करके बता दीजिएगा यूट्यूब पर हम अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बता देंगे ठीक है और एक ये क्वेश्चन है अच्छे दिन के दस गुण लिखो दस गुण नंबर का अच्छा आचरण होना, होना चाहिए अच्छा आचरण होना चाहिए निर्णायता विश्वासनायिता सहशीलता उत्साह नेतृत्व करना सत्यनिष्ठा न्याय व्यवहार कुशलता निस्वार्थ था चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और हाँ दोस्तों जो भी बोलने में गलती हूँ तो माफ़ करना हमारा चैनल अभी बनाया है हमने इसलिए थोड़ी गलती होती रहती हैं चलिए एंड करते हैं वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो